नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। नाइजीरिया जो कि पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, जहां से आतंक की खबरें लगातार विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचती है। आज बात नाइजीरिया की इसलिए हो रही है क्योंकि एक बार फिर से यहां बंदूकधारियों का आतंक देखने को मिला। हथियारों से लैस एक ग्रुप ने उत्तर मध्य नाइजीरिया के नाइजर राज्य में स्थित एक इस्लामिक स्कूल से दर्जनों छात्रों को अगवा कर लिया। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि उसका घर स्कूल से 150 मीटर की दूरी पर है। साथ ही उसने बताया कि मैंने खुद भारी हथियारों से लैस 20 से 25 मोटरसाइकिलों पर सवार बंदूकधारियों को देखा। वो स्कूल में दाखिल हुए और लगभग 150 या इससे ज्यादा छात्रों को अगवा कर लेकर चले गए। हालांकि वो छात्रों की संख्या को लेकर सटीक जानकारी नहीं दे सके क्योंकि कई छात्र अभी स्कूल तक नहीं पहुंचे थे। वहीं शनिवार को नाइजीरिया के एक यूनिवर्सिटी से एक महीने पहले अगवा किए गए 14 छात्रों और कर्मचारियों को रिहा किया गया। दिसंबर से अब तक अगवा किए गए 700 छात्र। जानकारी के अनुसार हाल के महीनों में बंदूकधारियों ने फिरौती के लिए उत्तरी नाइजीरिया के स्कूलों और यूनिवर्सिटी में जमकर हमला किया है। दिसंबर से लेकर अब तक 700 से ज्यादा छात्रों को अगवा किया गया। नाइजर राज्य में रविवार को हुआ यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब काजुना राज्य की यूनिवर्सिटी से पिछले महीने अगवा किए गए ग्रुप के बच्चे 14 छात्रों को रिहा किया गया। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कौन है ये लोग जो छात्रों को अगवा कर रहे हैं और क्यों। विश्व में कई आतंकी संगठन हैं जो कि सक्रिय रहते हैं और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और जान माल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हीं की तरह आतंकी संगठन बोको हराम एक के बाद एक आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है। बोको हराम से जुड़ी सारी जानकारी आपको बता रहे हैं जो शायद आपको ना पता हो। पहला, बोको हराम अरबी शब्द है जिसका मतलब है पश्चिमी शिक्षा हराम है। दूसरा, इस संगठन का औपचारिक नाम जमाते अहले सुन्नी लिदावती वल जिहाद है। इन अरबी शब्दों का मतलब है जो लोग पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा में और जिहाद फैलाने में यकीन रखते हैं। तीसरा, इस संगठन का केंद्र नाइजीरिया का मेदुगुरी शहर है, वहीं इसका मुख्यालय हुआ करता था। चौथा, 1903 में उत्तरी नाइजीरिया नीजर और दक्षिणी कैमरून के इलाके जब से ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण में लिए तब से वहां पश्चिमी शिक्षा का विरोध जारी है। पांचवा, 2002 में बोको हराम का गठन हुआ, इसके संस्थापक नाइजीरियाई मुस्लिम नेता मोहम्मद यूसुफ थे। छठा, बोको हराम का मकसद बच्चों को पश्चिमी शिक्षा से दूर कर इस्लामिक शिक्षा देना है। इस संगठन का राजनीतिक मकसद इस्लामिक स्टेट का गठन है। सातवा, 2009 में बोको हराम ने सरकारी इमारतों पर हमले शुरू किए थे, तब से नाइजीरियाई पुलिस और बोको हराम के बीच विवाद जारी है। आठवा, सरकारी इमारतों पर हमले के बाद से दोनों के बीच जो जंग शुरू हुई उसे विराम तब मिला जब पुलिस ने बोको हराम के मुख्यालय पर कब्जा कर उसके संस्थापक यूसुफ को मार डाला। नौवा, ये संगठन एक बार फिर 2010 में शुरू हुआ, उस वक्त कुछ गिने चुने लोगों ने जेल पर हमला कर अपने साथियों को छुड़वाया। इस बार आतंक फैलाना ही इस संगठन का मकसद था। दसवा, बोको हराम अब ना सिर्फ नाइजीरिया तक ही सीमित है बल्कि उसने विस्तार कर पड़ोसी देशों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। 11, बोको हराम यूं तो अब तक सैकड़ों स्कूली बच्चों का अपहरण कर चुका है लेकिन हाल ही में उसने 200 लड़कियों को एक साथ अगवा कर दुनिया भर में दहशत फैला दी थी। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 में बोको हराम के हमलों में 6,347 लोग मारे गए थे। यह आंकड़ा साल 2015 में 30% बढ़ने की आशंका थी। साल की शुरुआत में ही बोको हराम ने एक दिन में 2000 लोगों की हत्या कर दी थी। ये बोको हराम का अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जाता है। 13, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार बोको हराम के आतंक से अब तक 10 लाख से भी ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। तो बोको हराम जो आतंकी संगठन है, इससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो नागरिक हैं
वो काफी दहशत में है और लगातार बोको हराम के बंदूकधारी लोगों पर हमला करते हैं, छात्रों को अगवा कर ले जाते हैं। कई बार इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना होता है, तो कई बार बच्चों को छुड़वाने के नाम पर मोटी रकम वसूलना और अपने संगठन को बेहद मजबूत करना। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।